देवी राठौर हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं कोरबा जिला फरसवानी, ग्राम फरसवानी से हूँ। सेराजेम आप कितने समय से इस्तेमाल कर रहे हैं? सेराजेम मैं 2012 के आखिरी में की, 13 से रेगुलर कर रही हूँ। 2013 से क्या तकलीफ थी? 2013 एक जुलाई से। क्या तकलीफ थी आपको जब आप शुरू किए? शुरू की तो बहुत तकलीफ मैडम, मेरे को सर्वाइकल अटैक आया था, फिर उसमें मैं बहुत माने पूरे नस की बीमारी, मेरे को नहलाते थे, खिलाते थे, कपड़ा पहनाते थे, ऐसे मतलब पूरा काम आपका दूसरे को करना पड़ता था। एक गिलास पानी मैं नहीं उठा पाती थी हाथ से। अच्छा, इतना तकलीफ था मेरे को। और 6 महीना तक सोई नहीं, पूरे 6 महीना रात को नहीं सोई, कितना भी नींद का गोली देते थे, कुछ भी करते थे, मेरे घर में यहाँ तक मोबाइल टीवी देखना बंद कर दिए घर के लोग कि सोएगी करके। मतलब आपको नींद नहीं आ रही है तो डिस्टर्ब होगी करके। कोई माने किसी का फोन आता था तो घर के लोग रोड में जाते थे बात करने। सेराजेम जाने के बाद आपको कितने दिन में राहत मिलना शुरू हो गया? सेराजेम गई फिर मेरे को 4th-5th दिन में मैडम, मैं मेरे को नींद आ गया 4-5 दिन में। हाँ अच्छा, 4-5 दिन में थोड़ा थोड़ा नींद आने लगा, फिर 1 महीने में फिर पूरा नींद आने लगा। सेराजेम जाने से पहले आप कहाँ कहाँ इलाज करवाए थे? सेराजेम जाने से पहले मैं सबसे पहले तो कोरबा गई, कोरबा में फिर उसके बाद कुछ सुधार नहीं हुआ तो बिलासपुर ले गए मेरे को अपोलो, उसके बाद कुछ नहीं दिखा तो रामकृष्ण गई रायपुर में, बालाजी गई रायपुर में, वहाँ भी बोले ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ेगा, बोले वहाँ भी माने जो मडरिया सर है। तो मतलब आप ऑपरेशन नहीं करवाए? ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा। अगर ऑपरेशन हुआ होता तो कितना खर्च आया होता? पता किए थे आप? उसमें खर्चा का कोई बात नहीं, खर्चा का शरीर नहीं, मतलब अगर आप ऑपरेशन करवाते यहाँ का ऑपरेशन खत्म है तो 10 बार MRI कराई मैडम, मैं 10 बार MRI कराई, फिर मैं वहाँ विशाखापट्टनम गई 3 बार, वहाँ भी MRI हुआ, जे बार जाती थी वो बार, मतलब जितनी बार गए उतनी हाँ। बार फिर उसके बाद मैं दिल्ली अपोलो गई, फिर वहाँ एडमिट किए, 11 दिन एडमिट किए वहाँ के डॉक्टर लोग, मीटिंग बैठते थे, अब बड़ा हॉस्पिटल है, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, तो फिर उन लोग मीटिंग करते थे कैसे करें, इतनी उम्र हो गया है उनका, फिर ऑपरेशन कैसे, फिर एक दिन पूरा करेंगे ही करके पूरा मेरा ना जो करते हैं पूरी तैयारी वो कर लिए, फिर उसके बाद रात को क्या हुआ, फिर उन लोग फिर मेरे पास आकर बैठे बड़े बड़े डॉक्टर मैडम, इतने भाई भाई होंगे उन लोग, विदेश के लोग वहाँ इलाज कराते हैं। अच्छा। मेरे बगल में विदेश के लोग मने सोते थे ऐसे। तो फिर आपका ऑपरेशन नहीं हुआ? नहीं हुआ, फिर मैं बहुत रोई डॉक्टर के पास, मैं जैसे आई थी सर वैसे मेरे को भेज रहे हो, तो क्या करें स्थिति वैसी है, आपका इतना ब्रेन में इतना लाखों नस है माने केस के बराबर, किसको ढूंढेंगे आप? मतलब किसी और पे अगर चोट लग गया तो कोई भी खतरा हो सकता है। इससे अच्छा भगवान जो करेगा आप जाओ करके, तो फिर वहाँ से मैं रोते रोते फिर सेराजेम लगातार। हाँ, फिर एक दो लोग बताए सेराजेम खुला है, नस का बीमारी ठीक होता है। फिर अभी कैसा लगता है? अब आपको बहुत लंबा समय हो गया सेराजेम इस्तेमाल करते। 2013 से मैं अभी तक रेगुलर कर रही हूँ, कहीं जाती हूँ 1-2 दिन के लिए तभी छूटता है, उसके बाद लगातार लगातार। सेराजेम आपके लिए क्या है? मेरे लिए सेराजेम भगवान है, मैं 90% उसमें ठीक हुई हूँ। अच्छा, जितना भी आप अभी खड़े हैं वो पूरे सेराजेम के कारण। हाँ। सेंटर के लिए क्या बोलेंगे? सेंटर के लिए सेंटर तो सेराजेम अच्छा काम कर रहा है ना? बहुत अच्छा काम कर रहा है सेराजेम, हमारा है, हमारे प्राणों से प्यारा है,